और उसके बाद सरकार बनी और काम किए हम लोग। और फिर क्या हुआ था 2009 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो हम लोग कितना जीते थे, जेडीयू 20 और आप लोग बीजेपी 12। तो हम लोग तो सब करते रहे। और 2010 में चुनाव हुआ तब क्या हुआ, 115 अब आप भी 91, अब मिल करके लड़े, क्या हुआ बताइए। और आज सुनो ना, बैठो ना, तुम क्या जानते हो, बैठो। अरे जिस दिन पिताजी की मृत्यु हो गई और उस दिन पूरे पटना में मात्र 18% वोट हुआ था और तब आप जीते थे, हम लोग आपके लिए काम कर रहे थे। और आपके पिताजी के साथ मेरा क्या संबंध पौराणिक है, और उनका डेथ हो गया तुरंत हम लोग सरकार में आए, और उसके बाद आप ही को जब बनाएगा, बोलो मत, चुपचाप सुनो, हम कितना प्रेम करते रहे, कितना सम्मान देते रहे। आज क्या आप भी इस तरह की मछली की दुकान खोलना चाहते हो? आपको पता है ये हर महीने 60 लाख की मछलियां बेचते हैं। आपको भी करना है तो देरी किस बात की, फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। यार अगर देखो बोलना, नहीं नहीं बोलना जरूर, बोलोगे तभी केंद्र वाला कुछ आगे बढ़ा देगा, नहीं अगर मेरे खिलाफ बोलोगे तो कोई नहीं आगे बढ़ा देगा। अब आप समझ लीजिए, हम तो नहीं थे तैयार। जो हालत हो गई थी इस बार के चुनाव में, 2010 के चुनाव में, सॉरी 2020 के चुनाव में, और जो हालत हो गई थी, हम जो घूम रहे थे तभी बात हो रही, दिख रहे थे किसको खिलाफ में खड़ा करा दिया गया था। सब चीज के बावजूद हमारे मन में कोई बात नहीं था, और हमने कहा था कि भाई नहीं, ज्यादा सीट आप जीते हैं, आपका बनना चाहिए मुख्यमंत्री। मेरे ऊपर पूरा दबाव दिया गया कि नहीं साहब, आप ही संभालिए, बन जाइए। तो अंत में हम तैयार हो गए। लेकिन आप जानते हैं, जिस आदमी को हमने अपने पार्टी में नीचे से ऊपर लाया और उसको उधर दिया, उसको किस तरह से अंदर में करके, और अंत में हमने एक बार अपनी जगह पर 2020 के दिसंबर में, जब हम राष्ट्रीय अध्यक्ष थे पार्टी के, और हमने अपनी जगह पर दे दिया, और बाद में अपनी मर्जी से कोई कहीं गया और अंदर चला गया, हमारे पार्टी के तमाम लोग बोलने लगे कि साहब बहुत गड़बड़ हो रहा है, बहुत गड़बड़ हो रहा है, पहले हुआ, हम नहीं सुनते थे सबका, हमारे मन में कोई बात नहीं थी। और आज जो भी कहता है कि हम अलग हो गए हैं और बनना चाहते हैं हम आगे, हम कुछ नहीं बनना चाहते। लेकिन आप जान लीजिए, आज हम काम कर रहे हैं। तो आज आपको दिक्कत हो रहा है कि 17 में हम अलग हो गए थे इनसे, अब बोलिए ना, इन लोगों के ऊपर जो किया गया, अब उसके बाद 5 साल बीत गया, अब तो इन लोगों के पास कुछ नहीं है। जो उस समय कहा गया था इन लोगों के बारे में कि ये चीज है, और अब तो कुछ नहीं है। तो आप समझ लीजिए, आप समझ लीजिए, वहां से इतना कहा गया और मेरे साथ लोग इतनी बातचीत करके अपने साथ लाए, और अपने साथ लाए तो जो भी था हमने किया लोकसभा के चुनाव। लेकिन विधानसभा के चुनाव में क्या हो गया, विधानसभा के चुनाव उसका हो गया कि हम खत्म हो जाए, हमको तो कोई मतलब नहीं था भाई। लेकिन जब अपने लोगों से, और बताइए हमको अच्छा लग रहा था, आप जरा सोचिए तो किनको किनको हटा, सुशील कुमार मोदी जी उप मुख्यमंत्री थे, हमको कहा अरे भाई हमको बना दिए, और सुशील मोदी पहले थे, उनको कहा नहीं बना रहे हैं, उनको नहीं बनाया। आप बताइए प्रेम कुमार जी को नहीं बनाया, पुराने साथी नंद किशोर यादव को नहीं बनाया, इस सब लोग जो पुराने साथी थे, राम नारायण मंडल, विनोद नारायण झा और भी कई लोगों को नहीं बनाया, खाली पहले वाले मात्र 2 लोगों को बनाया। हमको लगा कि भाई चलिए अब उनकी पार्टी है जो भी करे। अब आज स्थिति है जैसी स्थिति है कि अब हमको जो भी लोग थे, आप तो जरा बताइए, हम किसी से कुछ कहते थे, सबसे काम ही कर रहे थे, बात कर रहे थे, जो कुछ भी था। लेकिन इसमें आप लोगों का कुछ नहीं है। लेकिन धीरे धीरे जो दिल्ली से यह खबर आई कि हम सब चीज को छोड़ करके इन लोगों के साथ हैं, इनको छोड़ करके हम इधर आ गए थे, और क्या हुआ अभी तो आप इसको बता रहे थे, उसमें तो हमको बड़ा खराब लगा था भाई। 17 की बात है जब मीटिंग हो रही थी, हम लोग जहां, आप समझिए पटना यूनिवर्सिटी की बात थी, हमने कहा कि भाई इसको नेशनल बना दीजिए, राष्ट्रीय, आप उसको नहीं माने,
पहले सेंट्रल यूनिवर्सिटी होता था। अरे अब तो आप लग जाइए ना, हम इतना दिन से सेंट्रल यूनिवर्सिटी कहे हैं, अब आप कर देंगे दिल्ली वाले। आजकल प्रचार तो खाली दिल्ली का होता है, खाली दिल्ली का प्रचार होते रहता है, सारा सोशल मीडिया से लेकर के एक एक चीज पर। जो दिल्ली से ये खबर आई कि हम सब चीज को छोड़ करके इन लोगों के साथ हैं, इनको छोड़ करके हम इधर आ गए थे, और क्या हुआ अभी तो आप इसको बता रहे थे, उसमें तो हमको बड़ा खराब लगा था भाई। 17 की बात है जब मीटिंग हो रही थी, हम लोग जहां आप समझिए पटना यूनिवर्सिटी की बात थी, हमने कहा कि भाई इसको नेशनल बना दीजिए, राष्ट्रीय सेंट्रल यूनिवर्सिटी। आप उसको नहीं माने, पहले सेंट्रल यूनिवर्सिटी होता था। अरे अब तो आप लग जाइए ना, हम इतना दिन से सेंट्रल यूनिवर्सिटी कहे हैं, अब आप कर देंगे दिल्ली वाले। आजकल प्रचार तो खाली दिल्ली का होता है, खाली दिल्ली का प्रचार होते रहता है, सारा सोशल मीडिया से लेकर के एक एक चीज पर, सारे प्रेस सब चीज पर कब्जा, और इसलिए अपना छपेगा तो उसका तो कोई वादे नहीं रखेगा कि हम लोग डिमांड कर रहे थे कि पटना यूनिवर्सिटी को बना दिया जाए सेंट्रल यूनिवर्सिटी। आज दिल्ली वाले बना देंगे तो खाली यही चर्चा करते रहिएगा कि केंद्र ने दिल्ली पटना यूनिवर्सिटी को बना दिया सेंट्रल यूनिवर्सिटी, फायदा लीजिएगा। तो जो चीज हम शुरू से कहते रहे तो मेरी बात तो सुनते नहीं थे, आप जरा बताइए हम कितनी बात जाकर के करते रहे। और आपको मालूम है ना, जब आप लोग आ गए थे 7/2017 में, तो उसके पहले ही ना 7 निश्चय था, हर घर नल का जल के लिए भी है? हर घर, आप ही बताइए, हर जगह, हर जगह एक एक चीज। अरे बैठिए ना, इस सब में क्या है, अरे हम दूसरी बात सुनिए। अरे आप तो कहां से कहां हो जाते हैं, कोई ठिकाना है आपका? बैठिए ना, आप तो कुछ कुछ बोलते ही रहते हैं रेगुलर ऐसे ही, अब पहले कहां थे, फिर कहां गए, फिर कहां गए, आ कुछ बोलते रहते हैं, ये सब छोड़िए, हम सब देखते रहते हैं, वो सब की बात छोड़ दीजिए। लेकिन आप बताइए जो 7 निश्चय में था सबके लिए, हम नहीं सुन पा रहे हैं आप क्या बोल रहे हैं। आप मेरी बात, आप हम तो बहुत सिंपल, आप लोगों पर हम कुछ कह रहे हैं, अरे आप लोगों पर कुछ कह रहे हैं, हम तो दिल्ली से जो भी है कह रहे हैं। और एक बात जान लीजिए, हम लोगों ने जो किया तो आप लोग साथ आए, तो मेरा जो पहले से इन लोगों के साथ 7 निश्चय तय था उसको आप भी माने। और उसके बाद जो बात हुई है दिल्ली में, एक बार मीटिंग हो रही थी तो हमसे पूछा गया कि आप जो कह रहे हर गनरल का उसको करिएगा मेंटेनेंस, हम हाँ बिल्कुल मेंटेनेंस होगा, इसको कर रहे थे, ऐसे ही थोड़ी है ये खाली पहुंचा देंगे और बाद में नहीं होगा। और बाद में जब केंद्र ने इसको तय किया, अब आप लोग आ गए थे, तब ना दिल्ली से कहा गया 6,000 करोड़ रुपया दे करके कि मान लीजिए दिल्ली वाला मान लीजिए, ताकि दिल्ली का हो जाए कि बिहार में हर घर नल का जल। हमने, आप ही लोगों के पार्टी के थे, हमने उनको निवेदन किया कि इस बात को नहीं लिखना, लिख दीजिए कि यहां पर पहले से हो रहा। तो आप बताइए बिहार में तो शुरू हुआ, अब देश में पूरा कर रहे हैं, और न्यूज आता है, अरे भाई तो ये भी तो करना ना चाहिए कि हर घर नल का जल बिहार जैसे गरीब राज्य में करने का हम लोगों ने तय किया, और यहां पर आप लोग भी सहमत हुए, हुआ तो हम तो नहीं ना माने। और फिर 2020 के बाद भी आ गया दिल्ली से कि फिर पैसवा ले लीजिए और मान लीजिए कि दिल्ली का है, हमने फिर कहवा दिया, सवाल पैदा नहीं होता है, हम राज्य सरकार की तरफ से कर रहे हैं तो राज्य का है, ये केंद्र का नहीं है। तो एक एक चीज जो आप बात समझ रहे हैं, एक एक बात हो रहा था, अब यहां जो भी काम करते हैं अब वहां के बारे में वहां से होने लगता है कि ये हो रहा, और आप लोग तो साथ में थे शुरू में, तो यहां पर जो पुराने हमारे साथी बैठे हुए इनको मालूम नहीं है, ये नहीं देख रहे थे रोड से लेकर के एक एक चीज को अलग अलग समय। और आप बताइए हम लोगों ने कितना सड़क का निर्माण शुरू कराया, कितना ज्यादा कराया, अब कौन गांव बचा है जहां हम लोगों ने सड़क नहीं पहुंचा दिया है। अरे बैठिए ना, तो इसी ने कर, इसी ने कह रहे, अरे आप ही को ना तारीफ कर रहे हैं, छोड़ दीजिए, ये कोई केंद्र सरकार के चलते यहाँ सड़क नहीं है, आज के 8 साल से केंद्र सरकार के चलते। क्या आप भी इस तरह की मछली की दुकान खोलना चाहते हो? आपको पता है ये हर महीने 60 लाख की मछलियाँ बेचते हैं।
आपको भी करना है तो देरी किस बात की। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।